हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ पापड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी पापड़ी बनी है और मैंने इसको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बनाया है। आप भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं और 8 से 10 दिन इसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन हो बना के खा सकते हैं पापड़ी। तो बिना किसी देरी के देखते हैं रेसिपी को। सबसे पहले पापड़ी का डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए मैं ये सूजी ले रही हूँ 2 कटोरी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। इसमें मैं मैदा ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा ये सॉल्ट ऐड करेंगे। ये अजवाइन है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कीजिए। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका डो लगाएंगे। स्टार्टिंग में जो सूजी है वो थोड़ी सी खुरदरी लगेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी करके जब हम इसका डो लगाएंगे तो ये सॉफ्ट होती जाएगी और एकदम डो की फॉर्म में आ जाएगी। एक बार पापड़ी को आप इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और 8 से 10 दिन इजीली आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, सूजी धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगी है। इसी तरीके से आपको डो लगाना है। आटे को अच्छे से मसल मसल के लगाएंगे, क्योंकि जितना अच्छे से डो लगाएंगे उतनी अच्छी पापड़ी बनेगी। डो को हल्का सा टाइट ही रखना है, इसीलिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ये देखिए, एकदम चिकना डो लग चुका है। इसी तरीके से आपको लगाना है डो को। इस डो को लगाने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए, डो लग चुका है। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी, जिससे जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी और आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। 20 मिनट के बाद में आटे को फिर से चेक करेंगे। ये देखिए, सूजी अच्छे से फूल चुकी है। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और अभी आटे से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से। जिस साइज़ की आपको पापड़ी रखनी है उसी साइज़ की बॉल्स बनाइए। इनको इस तरीके से रोल करते हुए इनकी लोइयां बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से सारी लोइयां बना लेंगे। अभी पापड़ी को बेलेंगे इस तरीके से, रोल करते जाएंगे। पापड़ी को एकदम पतला बेलना है। आप भी एक बार ज़रूर इस तरीके से पापड़ी बना के देखिए, बहुत अच्छी पापड़ी बनती है और एकदम क्रिस्पी रहती है। पापड़ी का साइज़ आप अपने हिसाब से रखिए। अगर आपको छोटी रखनी है तो छोटी रखिए, बड़ी रखनी है तो बड़ी रख सकते हैं। ये देखिए, एकदम पतली सी पापड़ी बेल चुकी है। इसी तरीके से सारी पापड़ी को बेल लेंगे। पापड़ी को बेलने के बाद में इनको फैला के 10 से 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे डाल देंगे, जिससे जो पापड़ी हैं वो फूलेंगी नहीं और एकदम क्रिस्पी रहेंगी। 15 मिनट के बाद में पापड़ी को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखेंगे। पापड़ी को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी इसको निकाल लेंगे किसी टिश्यू पेपर पे। इसी तरीके से सारी पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पापड़ी को फ्राई कर लिया है। अभी पापड़ी बनाने में जो भी सामान यूज़ होगा उनको ले लेते हैं। ये नमकीन सेब हैं, टमाटर, ये कर्ड, उबले हुए आलू, ग्रीन चटनी, चने हैं बॉयल, प्याज है कटी हुई, थोड़े से अनार के दाने हैं। आपके पास हैं तो रखिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। पापड़ी को लेके इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। देखिए, इसी तरीके से बहुत क्रिस्पी पापड़ी बनती है। पापड़ी को तोड़ के इसमें ये थोड़े से कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा ये कटा हुआ प्याज इसको ऐड करेंगे, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से उबले हुए आलू, ये चने, ग्रीन चटनी, ये दही, थोड़ी सी एक ग्रीन चटनी और डालेंगे, थोड़ा सा ये वाइट सॉल्ट है, ये काला नमक इसको भी स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स है, थोड़ा सा ये चाट मसाला और ऐड करेंगे। इससे जो टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। थोड़े से ये नमकीन सेव या फिर आलू भुजिया को ऐड करेंगे। थोड़े से अनार के दाने हैं, आपके पास में है तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा ये लेमन जूस, हाफ लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे। थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को।
इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा आइटम और यूज़ करना चाहते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं। और लीजिए, आपकी पापड़ी चाट बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी पापड़ी चाट बनती है। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिए। हमने जो सूजी की पापड़ी बनाई है वो बहुत लंबे समय तक ऐसी ही क्रिस्पी ही रहेंगी। इनको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में 8 से 10 दिन तक ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपका पापड़ी चाट खाने का मन है, पापड़ी को निकालिए और चाट बनाइए, खाइए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।